ऑल राइट, तो आज हम बात करेंगे कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, वो भी तब जब उसका जो हस्बैंड है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो कमाता नहीं है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेंटेनेंस क्या है। सबसे पहले आप ना ये देखो मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस को ना लोग हमेशा पैसे की नज़रों में देखते हैं, आर यू गेटिंग, हमेशा देखते हैं कि पैसे की नज़रों में कि भी मेंटेनेंस यानी कि पैसा खर्चा। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं। मेंटेनेंस का मतलब है कि आपको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कराना, यानी कि आपको फूड प्रोवाइड कराया, क्लोथिंग, एजुकेशन और आपकी मेडिकल नेसेसिटी, आर यू गेटिंग, बच्चा है तो उसकी मेडिकल नेसेसिटी। ओके, अब यहाँ नहीं है कि भाई आपको पैसा ला के दे दिया जाए, आर यू गेटिंग। तो आप इस नज़रिए से सोचो कि भी राइट टू फूड, ओके, शेल्टर, छत रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े। ओके, बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि अभी बड़े लेवल पे चलेंगे लेकिन आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, आर यू गेटिंग। तो अब क्या है, जैसे कि आपने केस डाला, ओके, अब आपको पता है भाई हस्बैंड कमाता कमाता है नहीं, ओके, कोई नहीं, आप डालो। ओके, वो हस्बैंड की हेडेक है, उसको प्रूफ करना है कि भाई मैं नहीं कमाता। ओके, वो उसकी हेडेक है कि भाई वो इनकम सर्टिफिकेट लाएगा कि देखो मेरी जीरो इनकम सर्टिफिकेट है, मैं कमाता नहीं हूँ, तो ये ग्राउंड, ये मेंटेनेंस कैंसिल किया जाए। ओके, अब कोर्ट पागल तो है नहीं, आर यू गेटिंग, अब कोर्ट को भी पता है भाई ये जी रहा है, कुछ खाता होगा, कुछ पीता होगा, कुछ इसका पौआ पौआ तो चल रहा होगा, ओके, सिगरेट बीड़ी के तो जुगाड़ तो करता होगा ये कहीं ना कहीं से, तो कुछ तो कमाता ही होगा ना, वो तो लिखवाने के तो वो कुछ भी लिखवा देगी भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ओके, तो इस बेस पे आपका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी रुक जाएगा, आर यू गेटिंग। और मेंटेनेंस का मतलब ये थोड़ी है ना आपको पैसे ही मिले, मेंटेनेंस का मतलब है कि आपको वो फूड प्रोवाइड कराए, रहने की जगह प्रोवाइड कराए, बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड कराए। ओके, तो अब उतना तो आपका हक है ही ना, आर यू गेटिंग, तो उस चीज़ से आप थोड़ी मना कर देगा, तो कोर्ट कभी मना करता ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है भी हस्बैंड कुछ तो कमा रहा होगा, अपना जी रहा है, कुछ तो कर रहा है। ओके, अब कमाने का क्या मतलब है, सपोज वो कमा नहीं रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं वो फ्यूचर में भी नहीं कमाएगा, कुछ तो करेगा ही, वो जिंदगी भर खाली थोड़ी बैठेगा, वो बात अलग है कि वो डिसेबल है, आर यू गेटिंग, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तब अलग बात है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है और आप सोच रहे हो कि भाई मेरा हस्बैंड तो कुछ करता ही नहीं, मैं कैसे डालूँ, तो आप डालो, बेहिचक डालो। ओके, वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, यानी कि वो प्रूफ करेगा ना कि भाई मेरी इनकम नहीं है, आप आपको उससे क्या लेना, आप केस करो ना। ओके, आप अपना जो आपका अधिकार है वो लीजिए। ओके, वो उसकी हेडेक है और उसके वकील की हेडेक है कि भाई वो कैसे प्रूफ करेंगे या फिर। ओके, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होगे मेन बात। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।